नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद सिंह को दरबारी घोड़ा बता करके पार्टी प्रदेश सचिव भवानी सिंह ने व्यापार मंडल प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने उस पर पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे ठाकुर भवानी सिंह ने कहा कि जिस लोगों ने कभी इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को नमन नहीं किया, आज उनको पूर्व सीएम हुड्डा ने अपनी मन मर्जी से टिकट दी है। फतेहाबाद में दरबारी घोड़े को टिकट दी गई है, इसलिए आज हमने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और सभी पदों से इस्तीफा दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व फतेहाबाद से भाजपा उम्मीदवार दूड़ाराम से बातचीत हो चुकी है। बीजेपी करेंगे ज्वाइन। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज साथियों हम लोगों ने फैसला लिया है, मेरे बड़े भाई नरेश सरदाना जी जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, मेरे भाई गौतम जी जो भट्ठू ब्लॉक से प्रधान हैं कांग्रेस के, और मैं जो सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव की पोस्ट पे हूँ, आज हम तमाम साथियों ने आज ये फैसला लिया है कि आज हम जितने भी तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे जितने पद हैं और तमाम जितने हमारे पास आज तक पोस्टें रही हैं उन सब से हम अपने आप से इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो है हमने उनको एक लेटर लिखा था, उसमें भी हमने उनको कहा था कि हमारा इस्तीफा जो है इसको स्वीकार किया जाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस के लोगों ने जिन लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर संघर्ष किया था, आम लोगों की जन भावनाएं, आम लोगों के जो मुद्दे थे जिनको लेके कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पे थी, असल में जिस कांग्रेस ने काम किया था, आज वो जब टिकट वितरण का मामला आया, टिकटों के बंटवारे का मामला आया, तो आज एक ऐसे जैसे एक पहले कहावत थी कि कुछ जंगी घोड़े होते हैं और कुछ दरबारी घोड़े होते हैं, तो आज जो जंगी घोड़े हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया, 5 साल जंग किया, आज उनकी कहीं पर भी कोई पूछ पहचान नहीं हुई, उनको पीछे कर दिया गया। जिन्होंने मेहनत करी 5 साल सड़कों पर संघर्ष किया, और आज जो दरबारी घोड़े हैं उनको आगे पेश किया गया, जिन्होंने 5 साल ना तो किसी कांग्रेस के कार्यक्रम में वो लोग आए, ना किसी कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं अगर सीधा सीधा बात करना चाहूँ, फतेहाबाद और रतिया दो विधानसभाओं में दो टिकटें कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, एक सरदार जरनैल सिंह को और एक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को। और आज आप ये देखो कि इस फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीनों उन्हीं लोगों को टिकट मिली जिन लोगों ने कभी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आए, और ना किसी उन्होंने लगातार 5 साल कांग्रेस के कार्यक्रमों का बाइकाट किया, बहिष्कार किया, ना तो उन्होंने किसी हमारे कांग्रेस के, मैं आज मानता हूँ इंदिरा गांधी जयंती होती थी, राजीव गांधी जी की जयंती होती थी, पुण्यतिथि होती थी, नेहरू जी की पुण्यतिथि जयंती होती थी, वो किसी भी कार्यक्रम में जो कांग्रेस को चलाने वाले। और आज मैं आपको एक साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब ये कांग्रेस ज्वाइन की थी, आज पिछले 17 साल से मैं कंटिन्यू अगर मैं अपनी बात करूँ तो यूथ कांग्रेस से लेके NSUI से लेके आज बड़ी कांग्रेस तक का एक लंबा सफर हमारा रहा, मैं जिला पार्षद भी पार्टी से रहा, सारा कुछ, आज स्टेट में पदाधिकारी हूँ, सेक्रेटरी हूँ। साथियों, इतने लंबे संघर्ष के अंदर जो हमने देखा था, जो हमने पार्टी ज्वाइन की थी, जिस पार्टी के साथ हम लगे थे, वो पार्टी कांग्रेस आई थी, वो कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा की पार्टी थी, वो सोनिया गांधी की पार्टी थी, वो राजीव गांधी की पार्टी थी, वो राहुल गांधी की पार्टी थी, लेकिन आज जो ये पार्टी है ये हुड्डा की पार्टी होकर रह चुकी है। इसको बहुत बुरी तरीके से कैप्चर किया गया, और उसके अलावा आज इतना बड़ा धनबल का इन्होंने प्रयोग किया, इतना उपयोग किया इन्होंने कि जितनी टिकटें हैं वो गुलाम नबी जी का भी मुंह बंद कर दिया गया, और भी दूसरे जो सीनियर हमारे साथी हैं उनका सबका मुंह बंद कर दिया गया, उनको जो है खूब पैसे दिए गए, और जितनी टिकटें अपनी मनमर्जी, हुड्डा साहब ने अपनी मनमर्जी करके सारी ये टिकटें दी गई। इसलिए हम सब ने आज भरे मन से, बहुत भरे मन से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। करीबन आज हमारे एक बुन्ना से ब्लॉक प्रधान है, भट्ठू से ब्लॉक प्रधान है, नरेश सरदाना जी हैं, मैं हूँ, जगजीत हुड्डा जी कल छोड़ी गए पार्टी को, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद तमाम ये सिलसिला जारी रहेगा, और पूरे हरियाणा में जितने भी हमारे जिन्होंने संघर्ष किया 5 साल हमारे साथियों ने, वो सभी साथी कांग्रेस छोड़ देंगे,
आज दे देंगे कुछ इस्तीफा, कुछ कल दे देंगे, यह सिलसिला लगातार पूरे हरियाणा में जारी रहेगा इस्तीफों का दौर। जो बीजेपी में ऐसे है हमारी, बिल्कुल आपकी बात जायज है, दूड़ाराम जी आए हैं हमारे पास, दूड़ाराम जी कल मेरे, सरदाना जी, गौतम जी के सबके पास आए थे वो। उन्होंने ये कहा था कि भी मैं आपका पुराना साथी हूँ, मैंने पहले भी हल्के की सेवा करी, अब भी वो ये कह रहे थे कि भी मैं सेवा करूँगा। उन्होंने हमारी बराड़ा जी के साथ भी बात करवाई है फ़ोन पे, लेकिन हमने ये कहा था कि भी हम एक बार कल अपने सभी साथियों से, हमने यही फैसला लिया था कि हम एक बार कल अपने सारे साथियों से बात करेंगे जी, उसके बाद हम अपना जो भी फैसला लेंगे आपको बता देंगे। नहीं, आज कोशिश यही है कि अभी सारे साथी इकट्ठे हो ही रहे हैं, अब अगर फैसला लेके सभी साथियों के मन होगा चलने का तो अभी एक डेढ़ घंटे बाद, जैसे नॉमिनेशन है दूड़ाराम जी का, वहाँ बराड़ा जी भी आएंगे और सारे साथी आएंगे, वहाँ हम ज्वाइन कर लेंगे जी।